मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रिप्रेशन का पार्ट टू पर कराना क्योंकि आपने इससे पहले पार्ट वन नहीं देखा तो आप जाके पार्ट वन देख सकते हैं मैं उसका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, दे दूंगा और यदि आप आई जी आई एविएशन के कस्टमर सर्विस एजेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा तो यदि आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो आज के हमारा जो सबसे पहला प्रिपोजिशन है वो है ऑन टाइम दोस्तों ऑन टाइम का मतलब क्या होता है ऑन टाइम का मतलब होता है यानी एकदम एग्जैक्ट टाइम यानी एकदम एग्जैक्ट टाइम जो आपको कहा गया एकदम करेक्ट टाइम जैसे कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम एंड जो एग्ज़ाम है हमारा ऑन टाइम स्टार्ट होगा यानी एकदम टाइम पे स्टार्ट होगा जैसे कि अगर दो बजे से स्टार्ट होना एग्ज़ाम तो आपको पता है दो बजे ही स्टार्ट होगा एक मिनट पहले या एक मिनट बाद स्टार्ट नहीं होगा तो इसका यानी ऑन टाइम का यूज़ कहाँ होता है जहाँ आपसे कहा जाएगा एकदम एग्जैक्ट टाइम वहाँ ऑन टाइम का यूज होता है ठीक है और जब कभी आप, आप से बात किया है, आपसे बात की जाएगी ट्रेन के सेंस में यानी ट्रेन के टाइम के सेंस में जब आपसे बात की जाएगी तो आपको तो हमेशा याद रखना है इसके साथ हमेशा सा ऑन टाइम आता है कि क्यों जितने भी ट्रेनें होती हैं वो माना जाती है कि सारी सारी ऑन टाइम होती हैं ठीक है तो ट्रेन तो के सेंस तो में हमेशा ऑन टाइम का यूज होता है चलते ने हैं नेक्स्ट है प्रिपरेशन की और नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या वो देखते हैं वो है इन टाइम इन टाइम का यूज होता है इन टाइम का मतलब होता है यानी टाइम पीरियड के अंदर इन टाइम का मतलब होता है यानी टाइम पीरियड के अंदर जैसे कि आपसे ये कहा आ गया कि जो एग्ज़ाम है वो दो बजे स्टार्ट होना है तो सीधी सी बात है आप दो बजे तो पहुंचेंगे नहीं यानी दो बजे से पहले आप पहुंचेंगे जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वो बताता तो हूँ मैं वी रिच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम यानी हम एग्जाम सेंटर पहुंचे इन टाइम यानी एक टाइम के पीरियड में यानी टाइम से पहले क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होना था तो दो बजे और हमें जाहिर सी बात है हमें दो बजे से पहले पहुंचना होगा यानी इन टाइम का यूज हमेशा कहाँ कहता था पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी टाइम से पहले ऑन टाइम कहाँ होता है नीज एग्जैक्ट ज़े, टाइम यानी ट्रेन के सेंस में ऑन टाइम और इन टाइम यानी समय से पहले आप कहीं पहुँच गए तो इन टाइम आएगा वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट है हमारा ऑन दोस्तों ऑन का यूज कहाँ होता है ऑन ऑन मैंने क्या होता है यानी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को टच करो और उसके ऊपर रखी हो ठीक है उस वहाँ यूज होता है ऑन का जैसे एग्जांपल समझते हैं द मैप इज ऑन द डेस्क यानी जो मैप है कहाँ है वो डेस्क पर है डेस्क पे कैसे है वो हवा में तो होगा नहीं वो एकदम चिपका रहेगा इससे ऐसे यहाँ है ठीक है तो यहाँ होता है ऑन का यूज यानी ऑन क्या होता है यानी किसी वस्तु को टच करना चाहिए वहाँ होता है ऑन का टाइम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं द पिक्चर इज ऑन पेज यानी जो पिक्चर और पेज पर है यानी वो भी पेज पे क्या है चिपकी हुई है या पैदल से बनी हुई है यानी एक तरह से आप कह सकते हो भी टच है उससे यानी ऑन ऑन का हमेशा कहाँ यूज होता है कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हो और टच करनी चाहिए जब आपको ऑन का यूज होगा वहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एबव एब में क्या होता है एबअ की जो हिंदी मीनिंग होती है इसका अर्थ होता है ऊपर एबव का अर्थ क्या होता है एबअ का अर्थ होता है ऊपर एबअप का अर्थ का ऊपर यानी थोड़ा सा ऊपर ठीक है अब इसमें क्या है इसमें दो चीज़ें होती हैं ये मोशन लेस भी हो सकता है और मोशन भी मोशन भी इसमें हो सकता है जैसे द हेलीकॉप्टर वॉज एब बिल्डिंग यानी जो हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ऊपर है यानी थोड़ा सा ऊपर जैसे मैंने कह दिया मैं स्विमिंग पूल में हूँ और मेरी जो गर्दन है स्विमिंग पूल से बाहर है तो वहाँ एबअब का यूज किया गया क्यों क्योंकि जो मेरी गर्दन है वो स्विमिंग पूल से थोड़ी सी ऊपर है यानी एबब एबअप का यूज वहाँ होता है जहाँ थोड़ा सा ऊपर होगा दूसरी चीज़ जैसे एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर के बाद द बिल्डिंग यानी जो हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग के ऊपर है ठीक है थोड़ा सा ऊपर है दूसरा एग्जाम्पल इट्स ऑन द सेल्फ जस्ट एबव योर हैड यानी जो अलमारी है वो आपके सर से थोड़ी सी ऊपर है यानी एबव यानी आपसे के सर से थोड़ी सी ऊपर है लेकिन क्या है उसे टच नहीं कर रही यानी विदाउट टच एब का हमेशा आपको याद रखना विदाउट टच और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए उसके बाद है नेक्स्ट आपका ओवर 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 का भी अर्थ क्या होता है ओवर का भी अर्थ होता है ऊपर ठीक है अब इसमें इसके एग्जाम्पल देखते हैं योर योर डॉग वाज रन ओवर बाय ए ट्रक यानी जो आपका कुत्ता है वो एक ट्रक के द्वारा मारा गया या ट्रक उस पर चढ़ गया यानी ओवर ओवर में क्या होता है चीज क्या होगी उसको टच करेगी टच करेगी प्लस में मोशन होगा बहुत सारे इसके भी एक्सेप्शनल यानी जितनी भी प्रीपोजिशन होती है सबके एक्सेप्शनल केस होते हैं मैं आपको एक वीडियो में सारे एक्सेप्शनल केस बता दूंगा जो कि पेपर में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आपके आते हैं तो पहले आप इसे समझिए तो ओवर ओवर में क्या होता है जहाँ वो चीज़ टच करेगी और मोशन होगा कई भी सारे केस होते हैं एक्सेप्शनल जहाँ मोशन नहीं होता ओवर में जैसे यहाँ क्या है ओवर ट्रक ट्रक कुत्ते के ऊपर से गया नहीं एक मोशन में गया और उसे टच करता हो गया ठीक है दूसरा क्या है द ब्लेंकेट इज ओवर द चाल यानी जो ब्लैंकेट है जो कम्बल है वो क्या है बच्चे के ऊपर उप, यानी ओवर ओवर का अर्थ क्यों हुआ क्योंकि एक तो टच कर रहा है और दूसरा क्या है विदाउट विदाउट मोशन है ठीक है दोस्तों इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें प्रिपोरेशन कुछ और प्रिपोरेशन जो बची हुई है वो मैं आपको करवा दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शनल केस बताऊंगा जो कि पेपर में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक से गुड बाय